भले ही हिमाचल बीजेपी सरकार अपना एक वर्ष का जश्न मना रही है, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के नेता अपना गुबार निकालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमीरपुर में बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया रही और प्रदेश सरकार को अनेक बिंदुओं पर कांग्रेसी नेता घेरते नजर आए। कांग्रेस सेवा दल के जिला संयोजक मदनलाल कौंडल ने प्रदेश बीजेपी सरकार पर एक साल में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब होने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक साल में प्रदेश के अंदर हत्याएं, लूटपाट और बलात्कार की वारदातें बढ़ी हैं। यहाँ पर कोई बीजेपी नाम की कोई सरकार नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर जो जैसे भी को, जो कोई दुर्घटना किए जा रहे हैं वो कांग्रेस के टाइम के जो पैसे जो मतलब कांग्रेस पार्टी ने जो दिए थे वहां के जो मतलब लगाए गए थे मंजूर हुए थे वो उसके लिए जो ये अपने जो पट्टियां लगा रहे हैं वहां पर नाम पट्टिका लगा रहे हैं। तो आज की डेट में जयराम सरकार जो यहाँ से बिल्कुल भी पता लग रहा है कि बीजेपी की सरकार है ये नहीं है। यहाँ पर हर दिन दिहाड़े यहाँ पर मौतें हो रही हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, मतलब काफी ज्यादा जो है कि इसके बीच जो कभी अभी एक साल हुआ पूरा हुआ यहाँ पर तो ये अपने बीजेपी को तो कांग्रेस के टाइम लोगों को फिर याद करने लग पड़े एक महीने के एक साल के बीच। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बीजेपी सरकार को रोजगार भत्ते के नाम पर ठगने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सरकार ने एक साल के अंदर केवल आश्वासन ही दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को आरएसएस के कार्यकर्ता चला रहे हैं। यहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर बेरोजगार भत्ता शुरू किया, आज प्रदेश की भाजपा सरकार उसको भी बंद कर रही है। युवाओं के लिए उन्होंने बड़े बड़े रोजगार देने की बात की थी, परंतु रोजगार आज कहीं भी नहीं दिया जा रहा है और प्रदेश के युवा जो हैं वो आज बेरोजगार और अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो पूरे इस कार्यकाल एक साल कार्यकाल के अंदर देखेंगे कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार को भाजपा के विधायक नहीं चला रहे हैं बल्कि आरएसएस इस सरकार का संचालन कर रही है। आज दफ्तरों के अंदर चाहे विभागों के अंदर आप जाएंगे तो आरएसएस का पूरा का पूरा बोलबाला है और प्रदेश की सरकार को आरएसएस ही चला रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निगमों व बोर्डों के अध्यक्षों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए हैं, लेकिन विपक्ष में रहते बीजेपी सरकार ने वेतन भत्तों को बढ़ाने का विरोध किया था और आज अपने कामों से सरकार खुद घिरती नजर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार में बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां हुई तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसका रवैया आलोचना करने का रहा। चेयरमैनों की फौज खड़ी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने उसका अनुसरण किया। एक स्ट्रोक में 15-18 के करीब चेयरमैन वाइस चेयरमैन हिमाचल प्रदेश में बनाए गए और हमारे समय में भी दबाव था कि इनका जो ऑनरेरियम है उसको बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया गया। लेकिन आज अगर इसमें बढ़ोतरी की गई तो निश्चित तौर पर जो हमेशा खाली खजाने का रोने वाले लोग हैं, अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव व एआईसीसी के सदस्य सुनील शर्मा ने कहा कि शिक्षा व स्वास्थ्य का प्रदेश सरकार ने बुरा हाल कर दिया है और आज तक मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के नाम पर कोई भी काम नहीं हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य को किसी भी सरकार को मजबूत करना उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है और जिला हमीरपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य का एक नमूना देखने को मिला जो कि जयराम सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ, एक साल कंप्लीट होने को जा रहा है, दूसरा साल आने को है, बच्चे असुरक्षित हैं, तो ये एक जयराम की सरकार का नाकाम तोहफा है एक साल में कि उनके हेल्थ मंत्री क्या कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो मोदी जी की, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो जयराम जी की, ये पूरी तरह से असफल है। किसी भी सरकार को प्रदेश के या देश के शिक्षा की चिंता ना हो, स्वास्थ्य की चिंता ना हो, वो सरकार कोई भी तरह से बड़े बड़े गुणगान करने के योग्य नहीं है। मोदी जी केंद्र में और जयराम जी हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं।